की बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान दसवीं बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है इसी महीने। आचार संहिता के चलते परिणाम में देरी है। 10 लाख परीक्षार्थियों में से 80% की ही कॉपियां अभी तक चेक हुई है। आपको बता दें कि अंतिम चरण में चल रहा कॉपी जांचने का काम और इसी माह में परिणाम जारी करने का बोर्ड ने टारगेट रखा है। जिलों से ऑनलाइन जो है डिटेल भी मंगाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान दसवीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो इसी महीने आ सकता है, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इसी माह इस रिजल्ट को जारी करने की उम्मीदें हैं और लगातार ये दावा बोर्ड की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड को इस बात को कबूल नहीं कर रहा है कि उनकी कार्यप्रणाली और लापरवाही के चलते परिणाम जो है वो देरी से आ रहा है, क्योंकि छात्रों को 12वीं का परिणाम मिल चुका है लेकिन 10वीं का परिणाम अभी तक नहीं मिला है। हालांकि अभी तक 80% कॉपियां ही जो है वो जांची जा चुकी है। टारगेट इसी महीने का है कि इसी माह के अंतिम दिनों में जो है इस परिणाम को किसी भी सूरत में जारी किया जाए। सरकार का भी प्रेशर है, शिक्षा विभाग का भी प्रेशर है और साथ साथ में 10 लाख से ज्यादा जो छात्र अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो आगे का अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, 11वीं में अलग अलग विषय लेना चाहते हैं, अपना करियर तय करना चाहते हैं, वो 10वीं के परिणामों के आधार पर ही वो अपना तय कर पाएंगे। लेकिन परिणाम जो है वो काफी देरी से इस बार जो है वो चुनावी आचार संहिता के फेर में जो शिक्षक हैं, जो विक्षक जिनका कॉपी जांचने का काम है वो ड्यूटी में लगे रहे और देरी से कॉपियां काफी देरी से जो है वो विक्षकों तक पहुंची, जिसके बाद में अभी परिणाम जारी करने में जो समस्या है सामने आ रही है। छुट्टी के दिनों में भी, अवकाश के दिनों में भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कॉपी जांचने का काम शीघ्र से शीघ्र पूरा हो ताकि इसी माह के अंतिम दिनों के अंदर। बिल्कुल लवली, बोर्ड इसी महीने का टारगेट भी रखा है और बच्चों को भी बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर